हेलो दोस्तों, आप सभी का वीके आलू एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके सामने लाए हैं इकोलॉजी, जिसे हम कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित क्वेश्चन। इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हें अगर आप लोग एक बार दो बार पढ़ेंगे तो इसमें 3-4 क्वेश्चन अवश्य इसमें से मिलेगा आपको। तो हम यहाँ प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अगर पारिस्थितिक तंत्र एक संतुलित दशा में बना रहता है, मान लीजिए कोई एक परपोषी जैसे कि खरगोश का गुणन अधिक होता है, यानी इनकी संख्या बढ़ती है, तो उनकी संख्या अचानक बढ़ जाती है, तब क्या होता है? तो संतुलन फिर से वापस आ जाए, क्योंकि भेड़ियों की संख्या में भी वृद्धि होगी। कहने का तात्पर्य है कि जब खरगोश रहेगा तो खरगोश खाने के लिए क्या भेड़ियाँ ही चाहिए, तो भेड़ियों की भी संख्या बढ़ेगी। इस तरह से एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं भोजन के लिए। तो आपका ऑप्शन ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग है। आप लोग देख रहे हैं ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ देखते हैं जो विकल्प आपका सही है बी है, इसमें क्या है 0.03। आप यहाँ कंफ्यूज रहते हैं, यहाँ देखिए 0.003%, 0.03, 0.3% या 3%। तो इसमें देखिए कंफ्यूज करने के लिए बनाए हैं। इसमें सब क्या देखना है, 0.03% आपका विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 3, उपभोक्ता द्वारा ऊर्जा का भंडारण कहलाता है। जो कंज्यूमर होते हैं वो ऊर्जा को स्टोर करते हैं, तो क्या कहलाता है? उसको कहते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, कहा जाए सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। कह रहा है उपभोक्ता द्वारा ऊर्जा का भंडारण, जो उपभोक्त जो कंज्यूमर होते हैं ऊर्जा को जो स्टोर करते हैं उसको हम द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अंतिम रूप से जैविक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? क्या है? माइटोकांड्रिया। तो लास्ट में जो माइटोकांड्रिया होता है, माइटोकांड्रिया ऊर्जा को स्टोर करता है एटीपी के रूप में, और फिर ये यहीं से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है जो हम अपने अदर एक्टिविटी के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, खाद्य श्रृंखला बनी होती है। देखिए जो फूड चेन होता है उसमें कौन कौन होते हैं, उत्पादक और उपभोक्ता। उपभोक्ता भी कई प्रकार के होते हैं, प्राथमिक कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर होते हैं। इन सब से मिलाकर क्या बनता है, पारिस्थितिकी बन जाता है या फूड चेन बनता है। क्वेश्चन नंबर 6, पर्यावरण की संपूर्णता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, क्या है? कार्ल फ्रेडरिक ने दिया था। सबसे पहले सिद्धांत से संबंधित कौन दिया था, कार्ल फ्रेडरिक। ये जिसके क्वेश्चन आपको रिवीजन करने के लिए होते हैं, आप एग्जाम रिवीजन कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन आपके लिए अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 7, किसी निश्चित क्षेत्र जैसे तालाब आदि में पौधों व जंतुओं के बीच पारस्परिक संबंध को कहा जाता है। क्या देख रहे हैं, किसी निश्चित क्षेत्र जैसे तालाब आदि के आदि में पौधों और जंतुओं के बीच के संबंध को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं या इकोसिस्टम कहते हैं। इनके बीच के संबंधों को पेड़ पौधों और जंतुओं के बीच, वहाँ से जो आसपास जो जंतु पाए जाते हैं उनके बीच जो रिलेशन होता है उसी को हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। विकल्प सी सही है। जैविक श्याम बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम निम्नलिखित में निम्नलिखित घटकों के मध्य होता है। जो बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम होता है इसके बीच होता है उपभोक्ता व अपघटक के बीच ये संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 9, मैदानों में तापमान प्रत्यावर्तन किस मौसम में पाया जाता है? टेम्परेचर इन्वर्जन किस में होता है, सर्दियों में होता है, अर्थात सर्दियों तापमान का टेम्परेचर होता है कम होने लगता है। क्वेश्चन नंबर डी, ये क्वेश्चन का एग्जाम पूछा गया है। बीओडी का अर्थ है, इसका फुल फॉर्म क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्वेश्चन नंबर 11, क्रॉप रोटेशन से लाभ होता है। जो क्रॉप रोटेशन में फलों का जब चक्रीकरण करते हैं उसमें क्या होता है, भूमि में उर्वरकता की शक्ति बढ़ जाती है, यानी कि विकल्प इसका सी सही है। उसमें जो अगर एक साथ एक समय में या एक ही खेत में हम बार बार वही फसल उगाते हैं तो उसकी जो फर्टिलिटी होती है कम हो जाती है, तो हमें क्रॉप रोटेशन करना चाहिए, यानी कि बदल बदल कर बीजों को बोना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, रोडोडेंड्रांस लाक्षणिक वनस्पति है, ये क्या है? विकल्प इसका विकल्प बी सही है। अल्पाइन अल्पाइन प्रदेश की पैन की निर्माण होता है। पैन का निर्माण कैसे होता है, पेट्रोलियम पदार्थों के सूर्य से प्रकाश की उपस्थिति
में अपूर्ण दहन से पैन का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 14, कुछ पौधे जिनकी समुदाय में एक सी भूमि प्रतीत होती है वह सह अस्तित्व दिखाते हैं, जबकि दूसरा पौधा जिसकी उस समुदाय में विशेष भूमिका रहती है कि अस्तित्वता अपेक्षाकृत बहुत कम या न के बराबर होते हैं, तो इस प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किसके आधार से समझाया जा सकता है? एक कर्म स्थिति द्वारा धारण, कर्म स्थिति धारा द्वारा समझाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, वन पारिस्थितिकी जिसे कहते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम प्रणाली में पौधे किसे होते हैं? ये क्या है आपका विकल्प? ए से प्राथमिक उत्पादक होते हैं, ये जो पौधे होते हैं पेड़ पौधे हैं वन में, तो पौधे क्या है प्राथमिक प्राइमरी कंज्यूमर सॉरी प्राइमरी प्रोड्यूसर के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सा पौधा जलोद्भिद होता है? यहाँ देखिए ट्रेपा बाइस्पोनोसा ये पौधा हो जलीय होता है। क्वेश्चन नंबर 17, भोजन जल स्थान और प्रकाश के लिए कठिनतम संघर्ष कहाँ रहता है? माने यहाँ पर भोजन जल और स्थान प्रकाश के लिए जो संघर्ष होता है वो एक ही स्थान पर बना रहे निकट संबंधी प्रजातियों में होता है, यहाँ पर उनमें संघर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 19, यदि विश्व के सभी पौधे नष्ट कर दिए जाएं तो प्राणी अभाव से मर जाएंगे, क्या है? भोजन, भोजन नहीं मिलेगा, सीधा सीधा है, भोजन नहीं मिलेगा तो पौधे जंतु हैं सभी नष्ट हो जाएंगे। जैविक संतुलन, संतुलन है इसके मध्य में क्या होता है? उत्पादक उपभोक्ता और घटक दोनों मिलाकर एक जैविक संतुलन बना रहता है। रेडियोधर्मी स्ट्रॉन्शियम जो ऊपर से नीचे ऊपर से गिरता है वह है क्या है? यस 90, ये विकल्प बी सही है। 22, सूर्य की रोशनी से अल्ट्रा वायलेट किरणें निकलती हैं उत्पादित करती हैं ओजोन, जो सूर्य की रोशनी होती है अल्ट्रा वायलेट किरण निकलती हैं वो क्या निकालते हैं? ओजोन 3 होता है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया वनों की शुष्कता पर नियंत्रण रखती है? 23 का विकल्प, वनों की सहायता से वर्षा होती है जिसके द्वारा जो शुष्कता होती है कमी को दूर किया जाता है। 24, जैव घड़ियां बायोलॉजिकल क्लॉक्स क्या होते हैं? बायोलॉजिकल क्लॉक्स पौधों की एक जातियां भी है जो विशेष शारीरिक क्रिया विधि दर्शाती है तथा जिसके द्वारा वर्ष में किसी मौसम विशेष को इंगित किया जाता है, उसी को हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। यानी कि हम देख रहे हैं पौधे की जातियाँ जो विशेष आकार की क्रियाविधि दर्शाती है जिसके द्वारा वर्ष में किसी मौसम विशेष को इंगित करता है, यानी मौसम के अनुसार पौधे अपने आप बदलाव करते हैं और उसी को हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। इस तरह के बायोलॉजिकल क्लॉक ह्यूमन बॉडी में भी पाई जाती है, तो विकल्प आपका बी सही है। ग्रीन हाउस प्रभाव को बताने वाले वैज्ञानिक निम्नलिखित में से कौन था? आर्थेनियस, सबसे पहले आर्थेनियस ने ही ग्रीन हाउस के बारे में बताया था। ग्रीन हाउस हरित प्रभाव, हरित घर से कहते हैं, तो आर्थेनियस ने बताया था। वर काटने के दुष्प्रभाव क्या है? यानी कि वायु प्रदूषण भी होता है, वन जीवन का नाश हो जाएगा, मरुस्थलीकरण से कहते हैं, डिजर्टिफिकेशन भी कहते हैं, तो इस तरह से ये तीनों विकल्प सही है। तो 27, ठंडी मृदा में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जो ठंडे क्षेत्र में जो पौधे उगते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एग्जोफाइट्स कहते हैं, एग्जोफाइट्स कहते हैं जो पौधे ठंडी मृदा में उगते हैं उसको हम एग्जोफाइट्स कहते हैं। एक्सोबायोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, एक्सोबायोलॉजी यहाँ देखिए अन्य ग्रहों के जीवों का वो जो संबंधित हम अध्ययन करते हैं उसको हम एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत रखते हैं। 29, वृक्षों की कटाई के विरुद्ध चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल जिले में होता है। सबसे पहले यहाँ जो चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था वनों की कटाई लेकर कथा उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल जिले में। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है किंतु प्रदूषक नहीं है? तो आप लोग जानते हैं सौर ऊर्जा होता है, इससे हम प्रदूषण भी नहीं फैलता है और सबसे बड़ा हमें ऊर्जा का स्रोत यही से प्राप्त होता है। वायुमंडल के प्रदूषण से संबंधित प्रमुख अध्ययन लाइकेन पर हुए हैं क्योंकि ये जो विकल्प है इनमें विकल्प डी से प्रदूषकों के लिए संवेदनशील होते हैं। वायुमंडल के प्रदूषण से संबंधित प्रमुख अध्ययन लाइकेन पर हुए हैं क्योंकि क्या है ये प्रदूषकों के लिए संवेदनशील होते हैं। यहाँ पर ये जहाँ लाइकेन पाए जाते हैं वहाँ पर ये जब गैसे होती हैं जिसे सल्फर डाइऑक्साइड वहाँ नहीं होता, अगर जहाँ पर पाए जाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड वहाँ लाइकेन ग्रो नहीं करते हैं। लेटराइटीकरण क्रिया से क्या होता है? मिट्टी का विघटन होता है, तो विकल्प आपका सी सही है। 33, उपभोक्ता स्तर का ऊर्जा संग्रह कहा जाता है नेट उत्पादकता, विकल्प आपका इसका सी सही है। उपभोक्ता स्तर का ऊर्जा संग्रह
वो हम क्या कहते हैं, नेट उत्पादकता कहते हैं। वन संरक्षण के उपाय हैं, वन संरक्षण क्या होते हैं, उपयुक्त सार्वजनिक सामाजिक वनीकरण परियोजनाएं लागू किया जाने चाहिए, कृषि वनीकरण परियोजनाएं, शहरी वनीकरण योजनाएं, हर तरह से हर क्षेत्र में वनों का विकास करना चाहिए, वन लगाना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। तो इसलिए विकल्प डी सही है। कार्बन चक्र में क्या सही अनुक्रम में सम्मिलित है, तो कार्बन चक्र में क्या होता है, उपभोक्ता होते हैं, फिर उत्पादक होते हैं, फिर अवघटक होते हैं। विकल्प ये सही होता है, क्योंकि उपभोक्ता नष्ट होंगे तो वहाँ पेड़ पौधे उगेंगे, तो पेड़ पौधे उगेंगे तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, फिर उसको अवघटक डिस्ट्रॉय करते हैं, इससे चक्र उसका चलता रहता है। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है, इसे हम एसिड रेन कहते हैं। इनमें क्या होता है, वहाँ प्रदूषक द्वारा CO2 या CO2 की मात्रा में वृद्धि, ये विकल्प सी सही है। इनमें जब ये CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो वर्षा के जल के साथ नीचे गिरता है, जो एसिड की तरह कार्य करता है और पेड़ पौधों और इमारतों के लिए हानिकारक होता है। भारत में मृदा अपरदन सॉयल इरोजन का सबसे गंभीर कारण है। सॉयल इरोजन किसके द्वारा होता है भारत में सबसे ज़्यादा, वन कटान के द्वारा है। वनों की कटाई से ही यहाँ पर मृदा अपरदन हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का विकल्प डी सही है। का विकल्प डी से चरम समुदाय एक्लाइमेस कम्युनिटी कहलाता है। खाद्य कड़ी जिसे फूड चेन कहते हैं, में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, जो प्राथमिक उपभोक्ता तो शाकाहारी जीव कहलाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था, तो टेंसले ने दिया था, क्योंकि सिस्टम शब्द टेंसले ने दिया था, जबकि इकोलॉजी का शब्द सबसे पहले रीटर ने दिया था। एक सीधा पिरामिड वह है जिसमें क्या होता है, पादों की संख्या अधिकतम होती है, जहाँ वह एक श्रृंखला बनती है, पिरामिड बनता है, जिनमें पादप की संख्या हमेशा क्या होती है, अधिक होती है, तो पिरामिड सीधा सीधा होता है। उर्वर मिट्टी फर्टाइल सॉयल का पीएच कितना होता है, यह बीघा का 20 सही है। 6 से लेकर 7 तक इसका जो पीएच मान होता है मिट्टी का, 6 से 7 के बीच में होता है। मिट्टी जो पहले जल द्वारा बहकर फिर अन्य जगह बनाती है, वह है क्या है, वह मिट्टी, उस मिट्टी को हम कहते हैं, विकल्प सी सही है, सील्ट मिट्टी कहते हैं, जो अन्य जगह पर जाकर बहकर जगह इकट्ठा होती है। खाद्य कड़ी जिसमें सूक्ष्म जीव उत्पादकों द्वारा उत्पादित उत्पन्न ऊर्जा युक्त पदार्थों का विघटन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, अपरद या डिट्रिटस खाद्य कड़ी बोलते हैं, जो सूक्ष्म जीवों वह उत्पादकों द्वारा उत्पन्न ऊर्जा युक्त पदार्थों का विघटन कर देते हैं, क्या है, अपरद होता है। 52 घासी मैदानों के कुछ सिस्टम में ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है, घास का मैदान में सीधा होता है, एक विकल्प आप क्या है आपका, ए सही है। 53 पौधों को मिट्टी से जो जल मिलता है वह क्या होता है, इसे हम विकल्प है 53 सी से, कि इसका जल कहते हैं कैपिलरी वाटर, इसी वाटर को क्या होता है, पौधा प्राप्त करता है। पादप जो चट्टानों के सिर पर पाए जाते हैं, इसे कहते हैं लिथोफाइट्स कहते हैं, चट्टानों पर जो चट्टानों पर उगते हैं उसे हम लिथोफाइट्स कहते हैं। पादप जो मैंग्रोव वनस्पति के हैं, राइजोफोरा, ये विकल्प सी सही है। वायु का मुख्य प्रदूषक है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि वायुमंडल को सबसे ज़्यादा प्रदूषित यही करता है। 57 जैविक साम्यवस्था किनके बीच होती है, तो विकल्प आपका यहाँ डी सही है। उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, अपघटक होते हैं, इनके बीच एक जैविक साम्यता बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम पाया जाता है। निम्नलिखित में से समानता कौन वायु प्रदूषककारी नहीं है, यहाँ देखिए CO2 ये क्या है, समानता नहीं हो, इसकी मात्रा तो क्या होती है, बढ़ने से तो टेम्परेचर में वृद्धि होती है, लेकिन बाकी जो ए है या बी है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनकी मात्रा बढ़ने से पोल्यूशन बढ़ता है। प्रोड्यूसर द्वारा विकीर्ण ऊर्जा की ग्रहण क्षमता लगभग कितने प्रतिशत तक होती है, क्या है, 1.0 तक होती है। तो सृष्टि शीतोष्ण सदाबहार जंगल कहाँ मिलते हैं, पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, यहाँ पर हमेशा जब होते हैं पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे रहते हैं, वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है, इसलिए यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। पादप वृद्धि के लिए सबसे अच्छी
ये मृदा क्या है? तो यह है दोमट मिट्टी होती है। ये दोमट मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। वृक्ष के इकोसिस्टम में जीवों की संख्या का पिरामिड कैसा होता है? उल्टा होता है। वृक्षों के इकोसिस्टम में हमेशा जहाँ वन होता है या वहाँ जो पिरामिड बनता है वो यहाँ उल्टा बनता है। तो और जबकि वहाँ घास के मैदान में क्या होता है? हमेशा सीधा बनता है। क्यों? यहाँ पर पेड़ों की संख्या अधिक होती है तो प्रथम स्तर पर तो वहाँ सीधा बनता है, और जबकि वनों में क्या होता है? इनकी संख्या कम होती है, इसलिए क्या है यहाँ पर उल्टा पिरामिड बनता है। 63 जीवों और उनके उसके वातावरण में होने वाले अन्योन क्रिया का अध्ययन कहलाता है इकोलॉजी कहलाता है। सीधा सीधा है, जीवों और उसके वातावरण के बीच में जो संबंध होता है उसी को हम इकोलॉजी कहते हैं। तो विकल्प का भी सही है। बायोम क्या है? विकल्प भी जीवों का समुदाय जो परस्पर प्रतिक्रिया करे उसी को हम बायोम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 सेलाइन भूमि में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। सेलाइन भूमि जो होते हैं उसे हम हेलोफाइट कहते हैं। जैसे दलदली क्षेत्र में जो पौधे उगते हैं उसको हम कहते हैं सेलाइन भूमि कहते हैं। जलीय पादपों के तनों में क्या दशा होती है? तो बी आपका सही है। पूर्ण विकसित हवा ऊतक एरनकाइमा होते हैं, मतलब जो जलीय पौधे होते हैं उसमें एरनकाइमा जो टिश्यू होता है ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए पौधे तैरते हैं। जब कोई वाहन चलता है तो कौन से विषैला पदार्थ निकलकर वायुमंडल में नहीं आता है? क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। जब कोई वाहन चलता है तो कौन सा विषैला पदार्थ निकलकर वायुमंडल में नहीं आता है? तो क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। यह तो बाकी सब इसमें क्या होते हैं? निकल कर आते हैं। ये सब जलाने पर होता है, इधर जल निकलता है, बाकी सब वाहन से निकलते हैं। मृदा जिसका अभिगमन जल के द्वारा होता है कहलाती है। क्या है? जलोढ़ मृदा कहलाती है। विकल्प सी सही है। एक तालाब है जिसमें क्या होता है? बी प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र पाया जाता है तालाब में। 70 इनमें है मृदा का जल तथा वायु के प्रभाव से निष्कासन कहलाता है। मृदा का जल तथा वायु के प्रभाव से निष्कासन क्या कहलाता है? इसको हम इरोजन कहते हैं। इरोजन के माध्यम से क्या होता है? वायु या जल के द्वारा मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। 71 पृथ्वी के सभी जीवित जीवों को क्या कहते हैं? क्या है? बायोस्फीयर कहते हैं, माने कि मृदा की गहराई तक और एयर में, हवा में, अंतरिक्ष में जहाँ तक जीव पाए जाते हैं उसी को हम बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। भोजन के लिए प्रतियोगिता बहुत अधिक नहीं होती है जहाँ निकट संबंधी वंश दूर दूर तक उगे हो। तो जब यहाँ पर दूर दूर होते हैं तो वहाँ पर कोई समस्या नहीं होती है उनके वृद्धि और विकास के लिए। तो विकल्प इसका ए सही था। 73 तालाब के इकोसिस्टम के बायोमास का पिरामिड होता है उल्टा होता है, यहाँ के तालाब में क्या होता है? उल्टा पिरामिड पाया जाता है। वह पौधा जो समुद्र किनारे होते हैं जिसके लक्षण दिखाई देते हैं दिखाते हैं क्या है? मृद भेद के होते हैं। समुद्र किनारे होते हैं जिसके लक्षण क्या होते हैं? मृद भेद के लक्षण दिखाई देते हैं। उनकी पत्तियाँ मोटी होती हैं और नुकीलेदार पाए जाते हैं। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो पृथ्वी पर पादपों के वितरण से संबंधित है उसको अध्ययन को हम क्या कहते हैं? फाइटोजियोग्राफी कहते हैं। फाइटोजियोग्राफी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो पृथ्वी पर पादपों के वितरण से संबंधित है फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। समपारस्य के निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? सी कम्युनिटीज में होता है। सिंकोलॉजी में कम्युनिटीज जहाँ पर अनेक प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं पौधों की जीवों की। 77 जल निमग्न निमग्न पौधों के तने कोमल और कमजोर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें क्या होता है? आधारी ऊतक और जाइलम कम विकसित होते हैं, इसलिए पौधे उनके लचीले होते हैं, कमजोर होते हैं। तो 76 का ऑप्शन डी सही है। 78 एक फूड चेन या खाद्य श्रृंखला में होते हैं क्या होते हैं? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स होते हैं। तो ऑप्शन ए सही है। 79 ऊर्जा का पिरामिड हमेशा किसे होता है? सीधा होता है। तो क्या है? ऑप्शन ए सही है। 80 मृदा परिवर्तन को रोका जा सकता है किसके द्वारा? वनों की रोपण से, वनों को लगाने से मृदा परिवर्तन को रोका जा सकता है। विश्व का सबसे बड़ा इकोसिस्टम क्या होता है? ओशियन, जो महासागर होता है वो सबसे बड़ा इकोसिस्टम होता है। मृदा संरक्षण का अर्थ है मृदा को हम कैसे कंजर्व करेंगे? तो क्या उपयुक्त है? यानी कि रेगिस्तान के प्रसार को रोकना, रेगिस्तान किरण
कम होना, वायु तथा जल द्वारा अपरदित होने को रोकना और पेड़ लगाकर मृदा अपरदन को रोकना, इन सबसे क्या होता है, हम मृदा को बचा सकते हैं। तो 83, जल निमग्न पादपों की पत्तियों में रंध्र होते हैं। जो जल निमग्न होते हैं, जो जल पौधे पाए जाते हैं उनके ऊपर जो पत्तियाँ होती हैं, जो स्टोमेटा होते हैं, कैसे होते हैं, किसी सतह पर नहीं होते हैं, माने उनमें स्टोमेटा नहीं होते, क्योंकि वो पानी में हमेशा डूबे रहते हैं तो गैसों का आदान प्रदान नहीं हो पाता है। तो जल मग्न पौधों की पत्तियों में रंध्र, स्टोमेटा नहीं होते हैं। तो विकल्प आपका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 83। अब उसके बाद 84, इको सिस्टम का महत्व है पदार्थों का चक्रीकरण, ऊर्जा का प्रवाह, ये दोनों सही है, अर्थात विकल्प 84 का सी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 84 के बाद 85, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के एकत्र होने से होता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, इसके द्वारा क्या होता है, टेम्परेचर में वृद्धि होती है, इसको हम ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से जानते हैं, या उसका प्रक्रिया शुरू हो जाती है, इसमें गैस का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है, इसको हम ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से जानते हैं। सामान्य रूप से पहाड़ों की चोटियों पर पाए जाने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? पहाड़ों की चोटियों पर एल्पाइंस कहते हैं। फसलों का हेर फेर क्यों आवश्यक होता है? देखिए, फसलों को हम बदल बदल अपने खेतों में क्यों ग्रो करते हैं, क्यों बोना चाहिए, क्योंकि मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए होता है। इसे हम फसल चक्रीकरण करते हैं या क्रॉप रोटेशन करते हैं, इससे क्या होता है, मृदा की उर्वरता बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 87 था, तो ये क्वेश्चन आप कई बार पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए अच्छा होगा। अगर अगर अच्छा लगा हो इस क्वेश्चन, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।